ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पश्चिमी चंपारण के ठकराहा प्रखंड में मनरेगा योजना में धांधली का खुलासा हुआ है और ऐसे कई लोग जो खुद इस बात से अनजान हैं कि उनके नाम से कोई दूसरा इस योजना के तहत पैसा ले रहा है। इसी तरह का एक मामला है जलेबी देवी का, जिसके निधन को एक साल हो गया है। 20 साल से वो चलने फिरने के काबिल नहीं थी, लेकिन अभी तक उसका नाम से जॉब कार्ड बना हुआ है और घर वालों की जानकारी के बगैर उसके नाम से कोई और दूसरा मनरेगा योजना के तहत पैसे ले रहा है। इसी तरह 80 साल की बुजुर्ग महिला दिव्यांग के नाम से पैसे किसी और के खाते में जा रहे हैं। बड़ा आरोप ये भी है कि बगैर किसी निर्माण के सरकारी पैसे का बंदरबांट हो रहा है। मामले पर प्रखंड के मनरेगा अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं बगहा के SDM ने मामले की जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमारी पत्नी जलेबी देवी है और हमको कोई लाभ नहीं मिलता है एथी में जॉब काट के, और पता ना जो साल भर उनको गुजरने हो गया और उनके नाम पर पता ना पैसा कौन जाके उठा लेते हैं, कहाँ चले जाता है, के उठवाता है, उसकी जिम्मेवारी तो भी कोई होगा। मेरी माँ जलेबी देवी ग्राम भतावा निवासी हैं। मेरी माँ को 20 साल मैंने बीमार पड़े हुए हो गया, उसके बाद से जो है 20 साल से अभी तक कोई लाभ नहीं मिला हमें, और जॉब कार्ड नहीं बना है और जॉब कार्ड का पैसा निकल रहा है और इसका कोई जांच किया जाए। अभी हम ब्लॉक में जा नहीं पाए हैं जी, जी। ब्लॉक में जाएंगे तो हम इसकी भी समीक्षा करेंगे। मनरेगा में वैसे लोग हैं जो मृत हैं, शायद किसी न्यूज़पेपर में भी था, हमारे संज्ञान में है ये न्यूज़। अभी जब हम ब्लॉक में जाएंगे, अभी फील्ड में ही है, ब्लॉक में जाएंगे।